सो ये जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है काफी अच्छा सब्जेक्ट है और सीएस एग्जीक्यूटिव में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है दैट इज फॉर 100 मार्क्स 100 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का इस सब्जेक्ट का ठीक है. अब मैं ये पूरा टॉपिक अपना अपनी जो मॉड्यूल है उसने कंपनीज एक्ट को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में बट मैं कभी भी ड्यूरिंग माय टीचिंग आई डोंट डिवाइड. मैं पूरा ही जो है वो पूरे सब्जेक्ट को 100 मार्क्स का मान के पढ़ाता हूं और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कौन से चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ में जहां पे अपने को ज्यादा फोकस करना है. उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि कंपनी लॉ को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हमें फोकस करना है. ये सारी चीजों पे मैं आपके साथ थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कशन करना चाहूंगा. तो सबसे पहले कि भाई एक चीज याद रखना, मुझे नहीं पता आपकी जॉब सीएस बनने के बाद जॉब कहां पे लगती है, कौन सी नेचर की कंपनी है, कौन से लॉ में काम करती है, क्या वो मर्चेंट बैंकर है, क्या वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या वो सॉफ्टवेयर कंपनी है. आप कौन सी कंपनी में जाते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर. अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, हो सकता है सीएस बनने के बाद आप कंपनी लॉ में काम ना करें, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमेशा याद रखिए, यू नो कंपनी सेक्रेटरी एंड कंपनी लॉ, ये दोनों वर्ड, दोनों चीजों में एक वर्ड कॉमन है. कौन सा वर्ड कॉमन है? ये कॉमन वर्ड है कंपनी. सो हमेशा याद रखिए सीएस को इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड कि साला ये सीएस को कुछ आए ना आए, बट कंपनी लॉ में तो ये बंदा बाप है. कंपनी लॉ में ना इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा लोग मानते हैं. और जो लोग मानते हैं वो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जितना कंपनी लॉ हमने पढ़ा है शायद उतना दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लोग नहीं पढ़ते. हर एक इंसान का अपना अपना डोमेन है. जितना कंपनी लॉ को हम इंटरप्रेट करते हैं, जितना बारीकी से हम पढ़ते हैं, उतना कोई दूसरा पढ़ता नहीं है. और हमेशा याद रखिए आप सब लोगों ने सीएस इसलिए किया है बिकॉज यू हैव मोर इंक्लाइनेशन, आप ज्यादा झुकाव आपका किसकी तरफ है, लॉ की तरफ है, इसलिए आपने सीएस किया है. ये बात भी आपसे छुपी हुई नहीं है. सो व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, जब आप किसके लिए जाए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाए, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाए, मैं यही कह रहा था कि कोई भी आपसे कहीं का भी इंडस्ट्री हो, बट जो प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपके इंटरव्यू के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे या 90% किससे रिलेट करेंगे, कंपनी लॉ से रिलेट करेंगे. हो सकता है सिलेक्ट होने के बाद आपने कभी कंपनी लॉ में काम करना नहीं है, बट कंपनी लॉ एक ऐसा लॉ है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीएस को पता हो. उल्टा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब अपने इंटरव्यू में जाते हैं उनसे भी कंपनी लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. माय ब्रदर हैड बीन टू द इंटरव्यू, मेरा भाई आई थिंक केपीएमजी का या पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू के लिए गया था. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी एग्जैक्टली बट टॉप कंपनी थी. और उससे पूछा गया कि बता सेक्शन 184 में क्या लिखा हुआ है, बता सेक्शन 137 में क्या लिखा हुआ है, बता सेक्शन 140 में क्या लिखा हुआ है. दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर थ्रोन एट माय ब्रदर व्हिच माय ब्रदर कुड नॉट आंसर. बोले भैया मेरे को याद ही नहीं आया, मैं तो अकाउंट्स टैक्स पढ़ के गया था. अरे भैया अकाउंट्स है, उस अकाउंट्स की जननी कौन है, कंपनी लॉ है. आप अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि सेक्शन 128 और 129 बोलते हैं कि आपको अकाउंट्स बनाना है. आप जिंदगी भर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते रहते हैं वो स्केड्यूल 3 को कंप्लाई करते रहते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो इवन सीएस के लिए कंपनी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अच्छी बात यह है कि कंपनी लॉ के मेजर प्रोविजंस जो एक कंपनी को
99% केसेस में लागू होते हैं, वो सारे प्रोविजंस आपके कंपनी लॉ में काफी अच्छे से क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, सो मैं आपसे एक ही चीज की गुजारिश करूंगा, कभी भी कंपनी लॉ को ऐसा मत पढ़िएगा कि यू नो आप रट्टा मार रहे हैं कंपनी लॉ को। कंपनी लॉ जब आप पढ़ें तो बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी अटेंटिव, और सेक्शंस, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम में अगर आप सेक्शन नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों एग्जाम में सेक्शन ना लिखने से। लेकिन स्पेशली अगर कंपनी लॉ के पेपर में अगर आपने क्या किया, सेक्शंस कोट किए, तो इट मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, इट मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं। इन 470 सेक्शंस में से लगभग 250 सेक्शंस या उससे ज्यादा ही आप कहां पे पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, और ज्यादा ही पढ़ लेंगे बच्चे, 50 सेक्शंस तो आप इधर पढ़ लेंगे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में पढ़ लेंगे 50 सेक्शन, और जो बाकी के 100 सेक्शंस हैं वो उतने रेगुलरली आपको फॉलो करने की जरूरत, जो बाकी के सेक्शंस हैं, देखिए रेफरेंस हम सारे सेक्शंस का आएगा कहीं ना कहीं, बट बाकी के सेक्शंस जो है वो उतने रेगुलरली फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो 470 सेक्शन है, लेकिन कंपनीज एक्ट जो है वो अपने आप में, अच्छा एक और चीज याद रखिए, कंपनीज एक्ट जो है ना, जैसे ध्यान से देखो, मेरा नाम है दुष्यंत जैन, लेकिन मुझे कई लोग प्यार से क्या बोलते हैं, डीजे। इन द सेम मैनर कंपनीज एक्ट, ये शॉर्ट नेम है, ये डीजे है, ये पूरा नाम नहीं है कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का पूरा नाम क्या है, एन एक्ट कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंपनीज एक्ट का पूरा नाम क्या है, एन एक्ट कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। तो ये फुल नेम है दुष्यंत जैन, जो कंपनी लॉ है उसको सिर्फ क्या है, वो डीजे है। यह कंपनीज एक्ट जो है वो क्या है, डीजे है। पूरा नाम इसका ये है, एन एक्ट कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 आने के, यह कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया है, व्हाट कंपनीज एक्ट 2013 हैज डन। कंपनीज एक्ट 2013 इज, ये जो लॉ है ये कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड कर रहा है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट 2013 एक प्रकार से नया कंपनीज एक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू कंपनीज एक्ट, बट व्हाट इज इट, इज इट इज मियरली, सिर्फ क्या कर रहा है वो, जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड या जितने भी कंपनी से रिलेटेड, जितने भी कंपनी से रिलेटेड पुराने जो लॉज हमारे देश में थे या जितने भी अलग अलग लॉज चल रहे थे, कंपनीज से रिलेटेड जितने भी अलग अलग लॉज थे, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जितने भी हमारे देश में लॉ बने थे, उन सारे लॉज को हमने क्या किया है, कंपनीज एक्ट के माध्यम से क्या किया है, कंसोलिडेट किया है, और उन्हीं लॉज में जो लॉज पहले थे उनको इकट्ठा भी किया है और उनमें रिक्वायर्ड क्या किए हैं, चेंजेस भी किए हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? सो ये जो लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज नॉट अ न्यू कंपनीज एक्ट, बट वॉट डज इट, वॉट इट इज, इट इज अ लॉ दैट अमेंड्स एंड कंसोलिडेट्स द लॉज रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं इस कंपनीज एक्ट, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस इस लॉ में कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि इस लॉ ने क्या किया है, पुराने लॉस को क्या किया है,
amend किया है और पुराने laws को क्या किया है, consolidate किया है. तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे provisions हैं जो इस law में ना हो. तो हमेशा याद रखना, जो consolidating और amending laws होते हैं, वहाँ पे एक चीज़ होती है कि इन laws में जिन चीज़ों को क्या नहीं किया गया है, इन लॉज में जिन चीजों को कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग, इन लॉज में या कंपनीज एक्ट 2013 में जिन लॉ को या जिन चीजों को, जिन हरकतों को क्या नहीं किया गया है, प्रोहिबिट नहीं किया गया है. जिन हरकतों को क्या नहीं किया है, किया गया है प्रोहिबिट नहीं किया गया है, वो चीजें क्या मानी जाएंगी, वो चीजें अलाउड मानी जाएंगी या प्रोहिबिटेड मानी जाएंगी. अगेन दिस लॉ इज कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लॉ. ये चीज ध्यान में रखो और मुझे बताओ कि जिन चीजों को ये लॉ कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट नहीं करता, उन चीजों को प्रोहिबिटेड मानोगे या अलाउड मानोगे? प्रोहिबिटेड या अलाउड? अलाउड मानोगे. क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 का फोकस क्या है? पुराने प्रोविजन को क्या करना, कंसोलिडेट करना. पुराने प्रोविजन को क्या करना, चेंज करना, अमेंड करना. तो उन लॉज के अंदर जो चीजें थी उसने सब क्या की, प्रोहिबिट की, चेंज की. इसका मतलब ये हो गया जितनी चीजें ये प्रोहिबिट नहीं करता वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें क्या है, अलाउड है. समडे सम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वाज आस्किंग कि सर एक शेयर होल्डर है, वो डिविडेंड लेना नहीं चाहता. क्या नहीं चाहता? उसको डिविडेंड लेने में इंटरेस्ट नहीं. उसने कंपनी को लिख के दे देगी, भाई मुझे डिविडेंड मत दो. कैन द कंपनी यू नो रिस्ट्रेन, क्या कंपनी उसको डिविडेंड पे करने से मना कर सकती है? क्यों? क्योंकि उसने खुद ने रिक्वेस्ट किया है. हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा तो इसके अंदर कुछ हमको दिखाई नहीं, इस बारे में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं कि शेयर होल्डर अपना डिविडेंड वेव कर सकता है, छोड़ सकता है. कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है. तो हमने क्या माना, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड. इट मींस व्हाट? इट्स अलाउड. इट्स अलाउड बिकॉज हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं वो क्या है, कंसोलिडेटिंग और अमेंडिंग लॉ है. तो इस जो जो चीजें इस लॉ के अंदर कंसोलिडेट नहीं हुई है, जो जो चीजें इस लॉ के अंदर अमेंड नहीं हुई है, वो हम मानते हैं कि उन चीजों के ऊपर अभी काम बाकी है. और चूंकि काम बाकी है इसलिए हम मानते हैं कि वो चीजें क्या है, अलाउड है. सो कोई आपसे पूछे कि भाई कंपनीज एक्ट क्या है, ये तो एब्रीविएटेड फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, ये है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कोई कंपनीज एक्ट जो है ये नया कंपनीज एक्ट नहीं है. इसने क्या किया, पुराने एक्ट को ही क्या किया है, कंसोलिडेट किया और चेंज किए. जहां जहां पे समय के हिसाब से बदलाव की जरूरत थी वहां पे अपन ने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए. इज एवरीवन विद मी? नाउ विच आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए. हालांकि ये सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस के बाद, लेकिन फिर भी मैं आपको एज अ रिचुअल मैं आपको बता दूं कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए. हालांकि ये सिर्फ मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं. अच्छा, कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए, तो इसमें एक चीज याद रखिए, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. नहीं नहीं, मां कसम, हर एक चैप्टर बहुमूल्य है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है. आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ग्रुप टू की एग्जाम दी है. रोहन हैज गिवन अपीयर्ड फॉर ग्रुप टू, सो ही कैन टेल यू दैट ही अपीयर्ड फॉर ईबीसीएल एंड सिक्योरिटीज एंड अदर सब्जेक्ट्स, बट स्पेशली आई विल टॉक अबाउट थ्योरी क्योंकि मुझे उसका नॉलेज है. क्या कोई ऐसा एक भी चैप्टर था जहां से आईसीएसआई ने क्वेश्चन ना पूछा हो? देयर वॉज नॉट. हाँ, लेकिन ऐसे चैप्टर जरूर थे जो हमारी मॉड्यूल में नहीं थे बट आईसीएसआई ने पूछे. सिक्योरिटीज में दो क्वेश्चन बाहर के थे, एक सेलिब्रिटी वाला और एक रिक्लासिफिकेशन वाला, दो क्वेश्चंस बाहर से थे. सो मैं यही कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से इज, मैं यही कहना चाहता हूं, बाकी सब कुछ काफी अच्छा था, मतलब बाकी सब कुछ काफी मैनेजेबल था. बट अच्छा, ये सब सिक्योरिटीज में होता है, बाहर के दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता कि यार 350 पेज की मॉड्यूल हमने बनाई है, तो उनको डर लगता है. एनीवे, सो सेलिब्रिटी वाला तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, और रिक्लासिफिकेशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो ऑप्शन में था. रिक्लासिफिकेशन वाज एन ऑप्शन. चलिए एनीवे, सो
हर एक चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट है, और मैं ये सबूत के साथ बोलता हूँ, रीजन ये है कि एग्जाम में सब कुछ आता है। आईसीएसआई अब पहले वाली आईसीएसआई नहीं रही, हमारे टाइम पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, डायरेक्टर से 30 मार्क का आएगा, डायरेक्टर मीटिंग्स अकाउंट्स ऑडिट, ये चार चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपका कमनीला छूट जाएगा, मतलब कमनीला में ये चारों चैप्टर मिला के 60-65 मार्क का आता था, और आखिरी के जो टाइम पास चैप्टर थे वहां से कभी क्वेश्चन पूछते नहीं थे। सो ये ट्रेंड चला 2014-13 तक, तो ये 2012 तक ये ट्रेंड चला, 13 के बाद पता नहीं एक अटेम्प्ट में तो ऐसा हो गया, और मैं हमेशा डरे बच्चों को यही बोल रहा था, एक अटेम्प्ट में तो ऐसा हो गया कि आखिरी के जो 15 चैप्टर थे जिनसे आईसीएसआई कभी नहीं पूछती थी वहां से उठा के 50 मार्क का पूछ दिया। उस दिन के बाद से बच्चों मैंने अपनी थ्योरी क्या कर दी, चेंज कर दी कि भैया कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी लोग पूछते हैं। लेकिन अगर स्टिल आप देखो डायरेक्टर्स मीटिंग्स अकाउंट्स ऑडिट शेयर कैपिटल, ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो भी ये क्वेश्चंस आपसे, ये चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट, पहले ये चैप्टर्स में मास्टरी बहुत जरूरी है। दूसरी श्रेणी में, दूसरी कैटेगरी में चैप्टर मैं डालूंगा वो होंगे डिविडेंड, डिपॉजिट्स डिबेंचर्स, डिविडेंड डिपॉजिट डिबेंचर्स देन चार्जेस, ये चैप्टर भी काफी ज्यादा क्या होंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये सेकंड। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई, सेकंड कैटेगरी मैंने कितने चैप्टर डाल दिए, सेकंड कैटेगरी में डाल दिए मैंने 4 चैप्टर, ठीक है, और एक पहला इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है वो, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 3, अच्छा इसमें एक और डाल देना सीएसआर, सीएसआर एक चैप्टर अलग से दिया है, सेक्शन 135 एक अलग ही चैप्टर बनाया उन्होंने, तो एक ये चैप्टर भी डाल देना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो थर्ड कैटेगरी आएगी, कौन सी कैटेगरी आएगी, जो थर्ड कैटेगरी आएगी, थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा आपका कंपनी सेक्रेटरी, फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, मेगा फर्म करके एक चैप्टर है, ये सब अलग अलग चैप्टर्स है, सीएस हो गया, देन एक मेगा फर्म्स हो गया, फिर और कौन सा बच गया, ई गवर्नेंस बच गया, देन वाइंडिंग अप बच गया, नहीं वाइंडिंग अप को चौथी कैटेगरी में डालेंगे। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड, ये चैप्टर बच गया एक। सो इतने चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ में, और कुछ बचा इसके अलावा, अरे एक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर करके एक चैप्टर था, ये अगेन कैटेगरी 2 में आ जाएगा। ई गवर्नेंस यहां लिख दिया मैंने कैटेगरी 3 में, और ये कैटेगरी 4 है। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स भी कैटेगरी 3 में आ जाएगा, रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, ठीक है, रजिस्टर एंड रिटर्न वुड कम इन कैटेगरी 3। उसके बाद कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर है, ये कैटेगरी 4 में आ जाएगा। रजिस्टर्स एंड रिटर्न कैटेगरी 3 में, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर है। सो और कुछ है इसके अलावा, सॉरी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये डाल दो कैटेगरी 3 में, फिर से इस बार आया था एग्जाम में यहां से 5 मार्क का। सो दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स, और आपको इसी हिसाब से क्या करना है, इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब सुनो ध्यान से, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले कौन सी कैटेगरी जब आपको पढ़ना है तो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी खत्म करनी है, कैटेगरी 1, देन आप कैटेगरी 2 कर लो, और कैटेगरी 3 और 4, और आप अपने सीला पढ़ने का जो ड्यूरेशन है ना वो ऐसे डिसाइड करो कि फर्स्ट डे मैं क्या खत्म करूंगा,
category 1 mein I believe thoda sa time lagega kyunki bahut bade bahut vishal chapters hai yahan pe. So take 2 days ka time yahan pe. Ye syllabus khatam hone ke baad ki baat hai. Yahan pe ek din, yahan pe ek din aur yahan pe 6 hours. Ek din aur 6 hours. Are, agar koi aur chapter bach jaye iske alawa to usko category 4 mein dal dena, theek hai? So ye aise aap kya kar sakte hain, padhai ke ghante jo hai aap allocate kar sakte hain apni padhai ke liye, theek hai? Aur yahi mere khayal se agar aapne follow kiya to easily aapka kya ho jayega, company law ka syllabus khatam ho jayega. Is that clear? Bachcho sabko clear hai company law? Aur ye sare ke andar bahut sare sections hum padhenge, bahut sare rules padhenge. Aur yahan pe jo mere notes hain, aapko mere khayal se kal parson mein notes mil jayenge, class ke baad bhi le sakte hain aap. Kafi acche notes hain, do book hain, ek question answer book hai aur ek main book hai. जो मेन बुक है वो मेरे ख्याल से 550 पेजेस की है, तो काफी ज्यादा हमने इंक्लूसिव बनाई है. सबसे मोटी बुक है बट हम उसको सोच रहे हैं कि दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक बुक को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो गो थ्रू दैट बुक और उसके अंदर हमने पूरी आईसीएसआई की मॉडल को क्या किया है, कवर किया है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज का यूज किया है. लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मान लीजिए ग्रुप वन में ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप ऐसा इसको डिफिकल्ट मानोगे तो फिर आप इसमें कभी एक्सपर्टीज नहीं ला पाओगे. आपको बस यही सोचना है कि आप पढ़ रहे हो कंपनी लॉ इंटरव्यूज को क्या करने के लिए, क्रैक करने के लिए. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिस्कशन और ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है, ठीक है.